CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला कविता मंजरी। मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल की एक प्यारी सी कविता बसंती हवा। तो आइए सुनते हैं ये कविता। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की। न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू उतर कर भगी में। हरे खेत पहुंची वहां गेहूं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी। उसे भी न छोड़ा पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मित्रों, बसंती हवा एक ऐसी कविता है जिसके द्वारा कवि ने वसंत ऋतु में मंद और तीव्र गति से बहने वाली हवा का वर्णन तो किया ही है, साथ ही वो इस कविता के द्वारा स्वतंत्रता का संदेश भी देते हैं। मित्रों, इस कविता को सुनकर आपके मन में भी कुछ लिखने की या चित्र बनाने की भावना अवश्य जगी होगी। तो क्यों ना आप भी कोई छोटी सी प्यारी सी कविता लिखें और उस पर आधारित एक सुंदर सा चित्र बनाएं। बसंती हवा, अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल की ये कविता। वाचन वंदना अरिमर्दन, ध्वनिंकन बटिलेंग लिंगडो और शानु मुक्सीम, ध्वनि संपादन निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।